वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेमेस्टर 6 बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मैं, इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो आ जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, और क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका आता है 75 मार्क्स का, और आपको मिलेंगे 3 घंटे। मगर अब क्या कर दिया, अब ये चेंज कर दिया, अब आपको 3.5 घंटे मिलेंगे क्वेश्चन को करने के लिए अटैम्प्ट। ठीक है, और ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है, आप इसको रीड कर लेना क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले। बाकी और नीचे अब हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेन द टर्म कस्टमर। पहले आपको ये बताना है एक्सप्लेन द टर्म कस्टमर, इसकी व्याख्या करनी है ग्राहक शब्द की। व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। नीचे यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय ए गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथ क्रेडिट मार्केट इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 7th मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 8th मार्क्स का है। नीचे अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पे लिखा है पहले में, ग्राहक शब्द की व्याख्या कीजिए, बैंकर और ग्राहक के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों के निहितार्थ को बताइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, भारत में क्रेडिट कार्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, वो आपको समझाने हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये 8 मार्क्स का आता है, मिनिमम आपको 6 पॉइंट तो लिख के ही आने हैं, मतलब एटलीस्ट 2 पेजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके नीचे यहाँ पे दे रखा है और का मतलब होता है, देखो अगर आप ऊपर वाला अटेम्प्ट करना चाहते हो ये कर लो, अगर ये नहीं आता तो आप नीचे का कर लो, ये मत करना। ठीक है, और दोनों में से कोई एक करना है, और में इसलिए दे रखा है। यहाँ पे लिखा है पहला, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कमर्शियल बैंक्स इन एक्सटेंडिंग क्रेडिट ऑफ MSMEs एंड व्हाट आर द इंटेंटिव टेकन बाय बैंक्स टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड MSME। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 मार्क्स का। उसके नीचे लिखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, किसी पे शॉर्ट नोट लिखना है, सेविंग अकाउंट वर्सेज करंट अकाउंट, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। नीचे लिखा है NRE वर्सेज NRO अकाउंट। ठीक है, आपको इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब कहना क्या शॉर्ट होता है, कम से कम आपको इसमें एक एक डेढ़ डेढ़ पेज भरना होगा। ठीक है, 8 मार्क्स का है तो कम से कम 8 मार्क्स में डेढ़ पेज आप लिखोगे तब आपका होगा। नीचे हिंदी में यहाँ पे लिखा है, MSME के ऋण देने के वाणिज्यिक बैंकों की किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और MSME के ऋण के प्रभाव में सुधार के लिए बैंकों द्वारा की गई पहलों को समझाना है। नीचे उसका बी पार्ट में लिखा है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणियां कीजिए, बचत खाता और बनाम चालू खाता क्या है, NRI और NRO खाता क्या होता है। ठीक है, तो ये था इसका और पार्ट्स में। नीचे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द टर्म इंडोर्समेंट इन कंस्ट्रक्ट टू चेक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोर्समेंट, एक्सप्लेन। इंडोर्समेंट के जो चेक है उनको आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है उस टर्म को, उसके डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं। नीचे लिखा है, राइट द डिटेल नोट ऑफ सिबिल एंड द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसके नीचे हिंदी में यहाँ पे लिखा है, चेक के संदर्भ में एंडोर्समेंट शब्द की व्याख्या कीजिए, एंडोर्समेंट के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, सिबलिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर एक विस्तृत नोट लिखिए। ठीक है, हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहते हो हिंदी में कर सकते हो। उसके नीचे एक क्वेश्चन और है जो और पार्ट में आपको दिख रहा होगा, लिख रखा है यहाँ पे, दिख रहा होगा। सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शनल आएंगे, मतलब अगर आप नहीं, आपको ऊपर वाला आता आप नीचे वाला अटैम्प्ट कर लेना, नीचे भी होगा देख लेना, सब में एक डबल चॉइस आएगी, मतलब कि उसमें लिखा है नीचे वाले में, एलोब्रेट एनी 6 special items ऑफ बैलेंस शीट एंड द रेफरेंस द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांस। हिंदी में यहाँ पे बोले तो यहाँ पे लिखा है, किसी बैंकिंग संस्थान के संदर्भ में बैलेंस शीट के किन्हीं 6 विशेष मदों का वर्णन कीजिए, और उसके बाद उसके नीचे लिखा है, ऋण और अंतिम, ऋण और अग्रिम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको ऋण और अग्रिम के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, अब उसके नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, पहला जो ए पार्ट है इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब EFT से आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ EFT। सेकंड लिखा है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ IMPS, ठीक है, एंड ई मनी वाज सूटेबल फॉर एग्जांपल, ये आपको समझाना है। 7 और 8 मार्क्स का आएगा। और नीचे उसके बाद ले रखा है यहाँ पे हिंदी में सीखो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब EFT शब्द से आप क्या समझते हैं, EFT के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। उसके नीचे लिखा है, उपयुक्त उदाहरणों सहित MI, यहाँ पे लिखा है IMPS और ई मनी शब्द की व्याख्या कीजिए। इसके नीचे जो और पार्ट है इसका, मतलब कि चॉइस में दे रखा है आपको यहाँ पे, व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग, हाउ इट इज सिंप्लीफाइड द पेमेंट सिस्टम। नीचे उसके बाद बी पार्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ए फॉलोइंग,
केवाईसी पॉलिसी फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में केवाईसी पॉलिसी ओपनिंग करने का, और नीचे देख रखा है नेफ्ट का, एनईएफटी मतलब कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, तो आपको ये भी समझाना है। उसके बाद हिंदी में यहाँ पे लिखा है मोबाइल बैंकिंग क्या है, इसके भुगतान प्रणाली को कैसे सरल बनाया है, बी पार्ट में लिखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए, बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी नीति, या फिर नीचे लिख रखा है नेफ्ट एनईएफटी, ठीक है। अब उसके नीचे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है व्हाट इज आईआरडीए, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ आईआरडीए, बी पार्ट में लिखा है राइट ए नोट ऑफ फायर इंश्योरेंस, एक फायर इंश्योरेंस पे एक शॉर्ट नोट डालना है आपको, लिखना है, हिंदी में भी सेम ही है आईआरडीए क्या है, आईआरडीए की संरचना की व्याख्या कीजिए, और उसके बाद बी पार्ट में है अग्नि बीमा पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। नीचे उसके बाद जो ऑप्शनल चॉइस है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आईआरडीए, देखो आईआरडीए जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग, प्रॉक्सीमेट कॉज, यहाँ पे लिखा है डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, कॉम्पिटिशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद इसी तरह से नीचे यहाँ पे डाल रखा है IRDA की कार्यों की व्याख्या कीजिए, और निम्नलिखित में किसी दो पर टिप्पणी कीजिए, कोई तीन दे रखे हैं आपको, कोई दो यहाँ पर बताने हैं, तो इनमें से आपको कोई यहाँ पर टू बताने हैं। पहला है आसनन कारण बीमा के और भौतिकीकरण, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे बीमा प्रीमियम की गणना, ठीक है, तो आपको ये बताना है। अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मेंट बाय बेंश्योरेंस, उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ बेंश्योरेंस, और नीचे उसके बाद बी पार्ट लिखा है डिफरेंशिएट को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। हिंदी में यहाँ पे लिखा है बानाश्योरेंस का क्या अर्थ होता है, बानाश्योरेंस की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है, सह सीमा में पुनर्बीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए, और उपयुक्त के दो दो उदाहरण देके या कुछ उदाहरण देके आपको बताना है। और मैं एक क्वेश्चन और डाल रखा है इन्होंने, एक्सप्लेन द टर्म इंश्योरेंस, व्हाट आर द फीचर ऑफ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये बताना है आपको। उसके बाद लिख रखा है एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन, देखो ये पेपर में मोस्टली आ जाता है, अभी भी आ सकता है, आपके चांसेस हैं। उसके बाद लिखा है हाउ डज इट फॉलो द प्रिंसिपल इंडिमिनिटी एंड सबोर्डिनेशन। उसके बाद इसको यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होता है, मैं आपको एक पेपर और दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो ये है बैंकिंग इंश्योरेंस का एक, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इंपॉर्टेंट जो आ जाते हैं पेपर में, ठीक है, ये फोर अटेम्प्ट करने हैं। वैसे तो यहाँ पे राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब कि यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट इंटरेस्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ई बैंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस कवर, डिस्कस इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और उसके बाद लिखा व्हाट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। यहाँ पे सेक्शन नंबर बी, यहाँ पे सेक्शन तो करके नहीं देगा, ठीक है, मगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इनके सारे आंसर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो मैंने जो बताया था आपको आईआरडी का, देखो यहाँ भी आ गया आईआरडी का, फिर से आ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर और है मेरे पास, मैं वो भी अभी आपको दिखा दूंगा इसके बाद। सो फ्रेंड्स एक जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरा है ये वाला, देखो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, ये भी है, इसमें भी सेम चीज़ें, ज़्यादातर कॉमन चीज़ आती है। देखो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी पूछा था, नेफ्ट पूछा था जो मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ साथ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लेना चाहते हो, और ये क्वेश्चन है नीचे आपको दे रखे हैं जो 15 मार्क्स के आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप SOL की बुक से कवर करोगे तो भी सारा कवर हो जाएगा। और मैंने बताया था कि IRDA इंपॉर्टेंट है, तो देखो बार बार यही आ रहा है, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ IRDA मीनिंग, ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के ही जाना इस वाले को, तो ठीक है। बस यही था आज की वीडियो में, वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर जल्दी डालेंगे। थैंक यू।